छात्र एकता। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त समय हो रहा है 8:26 और हम खड़े हैं शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय DCSK यानी दुर्गा दत्त चुन्नीलाल सागर माल खंडेलवाल महाविद्यालय मऊ में, जहां पर आज विधि परीक्षा यानी LLB की परीक्षा चल रही है। और यहां जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये परीक्षा के दौरान बाहर आए हैं, बाकी और स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग यहां बाहर आ गए हैं। इन लोगों को कॉलेज से छोड़ दिया गया है। कारण इसका हम आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, चूँकि पहले ये जो हम लोग जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, अब उसकी संबद्धता बदल गई है, सम्राट सुहेल देव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हो गई है, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। हम आपको दिखाते हैं, अपना परिपत्र दिखाते हैं। इस परिपत्र में आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ हम लोगों के 5 पेपर थे सेकेंड सेमेस्टर के, जिसमें आखिरी पेपर आज था राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आज था, आज ये पेपर यूनिवर्सिटी से आया ही नहीं इस कॉलेज पर। इसकी जगह लॉ ऑफ इंश्योरेंस का पेपर जो था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, कोई एक दे सकते थे, इसमें लॉ ऑफ इंश्योरेंस वाला आया था, जिसकी वजह से कापी पे नाम वगैरह सब भरने के बाद भी आज की स्थिति ये हो गई कि आज की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और जबकि DCSK के विद्यालय प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि तपेश्वर कॉलेज, जो विधि कॉलेज जिससे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी तक जो कम्युनिकेशन था, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और यहाँ के प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी और इनके बीच में तय हुआ था कि लॉ ऑफ इंश्योरेंस की पढ़ाई कराना है, जबकि जो हम लोगों का इसमें ऑनलाइन हम लोगों ने किया सब्जेक्ट, ये RBI था। यहाँ पे और भी जितने लोग मौजूद हैं, ये सभी लोग यहाँ के परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने आए थे। हम चाहेंगे कि इन सभी से हम आपको रूबरू कराएं और इन सभी की समस्याओं को जाना जाए। जी हाँ, परीक्षा हम लोग राइट ऑफ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन का देने के लिए आए थे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का आ गया था, तो इसलिए परीक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थगित करा दी गई। और उसके एवज में अभी परीक्षा का डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों का जो नुकसान हुआ है, हम लोग दूर दराज से आते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी। आप कहाँ से आते हैं? दुबारी से। आप दुबारी से? दुबारी से आते हैं। कहिए। अनिल कुमार सिंह नाम हमारा, हम लोग यहाँ बेलखरा से आते हैं। और इसमें हमने कल भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई कि जो लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो है जो पेपर है उसकी सीरीज नहीं मिल रही है, तो किस चीज़ का पेपर होगा। तो इन लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था कर कि जिन लोगों का होगा लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन का, जिनका इंश्योरेंस का होगा, अलग अलग पेपर जाएगा। आज यहाँ आए हैं, हम गाड़ी चला करके आए हैं, और यहाँ पर आने के बाद फिर जो हम लोगों को जो गाड़ी पंचर हुई है, 10-15 मिनट लेट हुए हैं हम, और आने के बाद पता लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। ये किसकी गलती है, किसकी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब अभी भी नहीं बताया जा रहा है कि हम लोगों का 2-3 दिन बाद में किस चीज़ का पेपर होगा, लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन का होगा या इंश्योरेंस का होगा। अब इसकी वजह से हम लोग परेशान हैं कि जो है कि भाई किस चीज़ का तैयारी करेंगे हम। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार भाई आप या तो यूनिवर्सिटी है या तो विद्यालय है। अच्छा, यहाँ कॉलेज की समस्या कुछ है, एग्जामिनेशन सेंटर ये सब दुरुस्त है यहाँ? ये लोग नहीं नहीं ये किसी भी बात को सही ढंग से बता नहीं रहे, ये भी नहीं बता रहे हैं। बदतर है, सफाई से लेकर के और बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पे बाधित है, पंखे नहीं चलते हैं, बीच बीच में बिजली बाधित हो जाने से कमरे में अंधेरा छा जाता है, जिससे हम लोगों को लिखने में दिक्कतें आती हैं। जी, हम लोग ला के सारे हमारे छात्र हैं, और आज ये जो पूरे प्रदेश में परीक्षा चल रहा है, जिसके कारण हम छात्रों को निकाल दिया गया, इसलिए कि नया शिक्षा नीति में जो लागू हुआ है वो निर्देश था कि यही फॉर्म फिलअप करना है, मगर ये विश्वविद्यालय और सौतेला व्यवहार हम छात्रों के साथ विश्वविद्यालय ने किया है और कॉलेज ने किया है, जिसकी वजह से अभी तक ना छात्रों का रिजल्ट आया है पहला सेमेस्टर का, दूसरा सेमेस्टर में उन्होंने एडमिशन भी दाखिल कर लिया है, और उसके वजह से हम सारे छात्रों को, जो हम लोगों की संख्या है 113 छात्र हैं, उन सारे छात्रों को आज इस कंडीशन पे हो गया है कि हम लोग बाहर रोड के पास खड़े हैं। इसलिए मैं ये मीडिया के तहत बताना चाहता हूँ कि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं निर्देश कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी से, कि इस बात को बहुत ही गंभीर से ले, और नौजवानों का मामला है, अगर छात्रों का नुकसान होगा तो हम लोग इसी कॉलेज से सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से पद यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेस कर उनके पास पहुंचेंगे। और इस विश्वविद्यालय का जो सौतेला व्यवहार है, आखिर उन्होंने जब फॉर्म फिलअप किया, प्रवेश पत्र जब आया, तो उन्होंने एडमिशन शुल्क भी लिया
और प्रवेश पत्र उन्होंने जारी किया। विश्वविद्यालय सुहलदेव महाराज जो विश्वविद्यालय है आजमगढ़ में, उन्होंने विश्वविद्यालय को हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप किया, हमें प्रवेश पत्र जारी भी किया। जारी करने के बाद हम सारे छात्र परीक्षा भी दिए। अब वो कह रहे हैं कि आपका ये सब्जेक्ट जो है नहीं है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश में कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने एक बार छात्रों का बीएड का परीक्षा फॉर्म कर लिया, 50,000 लोगों ने पैसा भी फिलअप कर दिया। जब प्रवेश पत्र की बात आई तो प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय ने रोक दिया कि बिना काउंसलिंग के कैसे परीक्षा दे सकते हैं। उसी तरीका से सेम हम छात्रों का, जितने हमारे पीछे मित्र हमारे खड़े हैं, जितने हमारे छात्र हैं, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में भर दिया गया है। भरने के बाद ये भी हम लोगों को नहीं पता है कि रिजल्ट में किसका बैक आया है, कौन फेल है, कौन पास है, और सेकेंड ईयर में हमारा दाखिला कर दिया गया है। 4 परीक्षा हम लोगों ने दिया है, 4 के बाद आज लास्ट परीक्षा था। विश्वविद्यालय ने ये निर्देश दिया है। इसमें कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, कितने छात्र की उसमें प्रभावित हो गए? 113 छात्र प्रभावित हुए केवल इस महाविद्यालय पे, इस महाविद्यालय से जी। और हो सकता है अन्य महाविद्यालयों पे भी कुछ बच्चे कोई हमारा मित्र बस्ती से। देखिए आज हमारा पेपर था राइट अपनी बात में था, जिसका आदेश आज की तारीख में था 25 अगस्त को था देने के लिए, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोई भी पेपर उपलब्ध हम लोग को नहीं हुआ, कोई भी नोटिस भी नहीं जारी किया गया। और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जिसको ऑफिशियल वेबसाइट कभी भी रिजोर्ट पे लिखता है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त नहीं हो पाता कब परीक्षा है कब नहीं है। ये परीक्षा हम लोग का स्थगित कर दिया गया है। हमारे बहुत युवा भाई कहाँ निकल कर आए हैं, सुबह उठ गया है, सबका आना जाना व्यर्थ हो गया है।